हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद आसिफ, जहां पर हम लाते हैं टॉप बिजनेस आइडियाज़ और बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज़। तो जी हाँ, बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवाब मोहसिन मुल्क के बारे में, कि किस तरीके से जो है उनके कंट्रीब्यूशन जो रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, या किस तरीके के ताल्लुकात जो है उनके बने सर सैद अहमद ख़ान से, किस तरीके से वो जुड़े अलीगढ़ मूवमेंट से, क्या सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन रहे उनके, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और देखें पूरा वीडियो। दोस्तों, हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, चाहे वो हो सर सैद अहमद ख़ान के बारे में, या फिर वो हो टॉप बिजनेस आइडियाज़, या फिर वो अदर टॉपिक्स के ऊपर। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो में देखते हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क सैयद मेहदी अली का नाम भारतीय इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने शिक्षा और समाज सुधार में मुस्लिम समुदाय के लिए इनकम्पेरेबल कंट्रीब्यूशन दिया। उनका जीवन न केवल शिक्षा की अलख जगाने में बीता, बल्कि उन्होंने सामाजिक सुधारों के माध्यम से मुस्लिम सोसाइटी को नई दिशा दी। उनका जन्म 9 दिसंबर 1837 को उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था और उनका असली नाम सैयद मेहदी अली था। उनके परिवार की प्रतिष्ठा और शिक्षा में गहरी जड़ें थीं, जो उनकी शुरुआती जिंदगी और करियर में स्पष्ट दिखती हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क का जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सैयद यूसुफ अली थे, जो एक सम्मानित व्यक्ति थे और समाज में एक विद्वान के रूप में जाने जाते थे। उनके पिता ने उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें बेहतरीन शिक्षा मिले। इस कारण से सैयद मेहदी अली ने अपने शुरुआती जीवन से ही शिक्षा के महत्व को समझा और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने की कोशिश की। नवाब मोहसिनुल मुल्क की शुरुआती शिक्षा उनके घर पर ही हुई। उन्होंने सबसे पहले अरबी और फारसी लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्राप्त की। इसके साथ ही उन्हें इस्लामी शिक्षा और धार्मिक ज्ञान का अध्ययन कराया गया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अरबी और फारसी में महारत हासिल कर ली थी। उनके शिक्षकों ने उनकी प्रतिभा को देखकर उन्हें और अधिक गहरे अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी शुरुआती शिक्षा में धर्म और साहित्य का विशेष महत्व था, लेकिन उनके पिता ने महसूस किया कि केवल धार्मिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा की तरफ भी मोड़ा, जिससे उन्हें उस समय की नवीनतम वैज्ञानिक और व्यावसायिक जानकारी मिल सके। उस समय मुसलमानों के बीच अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना एक चुनौती थी। बहुत से मुस्लिम परिवार अंग्रेजी शिक्षा को अपने धार्मिक विश्वासों के खिलाफ मानते थे और इस वजह से अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं देते थे, लेकिन सैयद यूसुफ अली ने इस सोच से अलग जाकर अपने बेटे को अंग्रेजी शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। सैयद मेहदी अली ने अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ते हुए बहुत ही अच्छे परिणाम दिखाए। उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य में महारत हासिल की और जल्दी ही उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपनी जगह बनाई। अंग्रेजी शिक्षा ने न केवल उनके ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों में भी कुशल बनाया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सैयद मेहदी अली ने ब्रिटिश सरकार की विभिन्न सेवाओं में काम करना शुरू किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया और जल्द ही उन्हें राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और उनकी ईमानदारी ने उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। सरकारी सेवा में रहते हुए सैयद मेहदी अली ने महसूस किया कि मुसलमानों को एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत पीछे रखा गया है। उन्होंने यह भी देखा कि यदि मुसलमान मॉडर्न शिक्षा से दूर रहेंगे तो वे आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। यहीं से उनकी सोच में एक नया मोड़ आया और उन्होंने अपने जीवन को मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। यह वह समय था जब सर सैयद अहमद खान भी मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चला रहे थे।
सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की कि यदि वे आधुनिक शिक्षा से दूर रहेंगे तो वे प्रगति नहीं कर पाएंगे। उनके इस आंदोलन में सैयद मेहदी अली ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद और सैयद मेहदी अली के बीच गहरी दोस्ती थी। सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रभावित होकर सैयद मेहदी अली ने उनके मिशन को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग दिया। उनकी मेहनत और लगन की वजह से उन्हें नवाब मोहसिनुल मुल्क की उपाधि दी गई, जो उनकी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का प्रतीक था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रशिक्षित करना था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। इस कॉलेज के निर्माण और उसके विकास में नवाब मोहसिनुल मुल्क का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने कॉलेज के लिए धन जुटाने और उसके प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने देश भर में घूम घूम कर मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उनकी इसी कोशिशों ने कॉलेज को एक मजबूत शैक्षिक संस्थान के रूप में स्थापित किया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हुआ। नवाब मोहसिनुल मुल्क केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में भी एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने मुसलमानों के बीच व्याप्त अज्ञानता, गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कई योजनाएं चलाईं। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। वे मानते थे कि यदि महिलाओं को शिक्षा मिलेगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा। उन्होंने महिलाओं के लिए भी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना पर बल दिया और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नवाब मोहसिनुल मुल्क का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे एक सुलझे हुए, शांत और सटीक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी बातों में गहराई और उनकी सोच में दूरदर्शिता थी। वे न केवल एक समाज सुधारक थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, एक बेहतरीन शिक्षक और एक सच्चे देशभक्त भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि यदि व्यक्ति में इच्छा शक्ति और लगन हो तो वह समाज की दिशा बदल सकता है। उनकी सोच और उनके विचार आज भी प्रेरणादायक हैं, जो हमें बताते हैं कि शिक्षा, मेहनत और सामाजिक सुधारों के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है। नवाब मोहसिनुल मुल्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में देखा जाता है। इस यूनिवर्सिटी के निर्माण और उसके विस्तार में उनका योगदान अभूतपूर्व था। उन्होंने इस संस्थान को एक मजबूत आधार दिया और उसे एक ऐसा शैक्षिक केंद्र बनाया जहां से मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सके। उनकी मेहनत और समर्पण की वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के रूप में जानी जाती है। आज भी इस संस्थान से निकलने वाले छात्र नवाब मोहसिनुल मुल्क के विचारों और उनके योगदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। नवाब मोहसिनुल मुल्क और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समाज में एक नई चेतना जगाई। इस आंदोलन के तहत उन्होंने मुसलमानों को यह समझाया कि अगर वे आधुनिक शिक्षा से दूर रहेंगे तो वे समाज में पिछड़ जाएंगे। उनका मानना था कि मुसलमानों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक और व्यावसायिक शिक्षा की भी जरूरत है। उनके विचार बहुत ही स्पष्ट थे कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से समाज को प्रगति की दिशा में ले जाया जा सकता है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को शिक्षा की ओर बढ़ने और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रेरित किया। नवाब मोहसिनुल मुल्क का निधन 1907 में हुआ। उनका निधन एक ऐसा दुखद समय था जब मुस्लिम समाज को उनकी जरूरत थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनकी मेहनत, उनकी सोच और उनके योगदान को आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य शैक्षिक संस्थानों में सम्मान के साथ याद किया जाता है। उनकी सबसे बड़ी विरासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी सोच आज भी हमें प्रेरणा देती है
और यह सिखाती है कि शिक्षा के माध्यम से समाज को कैसे बदला जा सकता है। नवाब मोहसिनुल मुल्क का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाता है कि समाज में सुधार लाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि व्यक्ति में इच्छा शक्ति और समर्पण हो तो वह समाज की दिशा बदल सकता है। उनकी मेहनत, उनके विचार और उनके योगदान ने मुस्लिम समाज को एक नई दिशा दी और उन्हें आधुनिक शिक्षा की ओर ले जाने में मदद की। उनका जीवन एक मिसाल है जो हमें यह सिखाता है कि शिक्षा, मेहनत और सामाजिक सुधारों के माध्यम से समाज में कैसे बदलाव लाया जा सकता है।